फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर 3.5 से 3.75 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। सभी लोग हमारे एक फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं। तो दोस्तों, हम हर रोज़ आप लोगों को नए नए बिजनेस आइडियाज़ देते हैं, जिससे कि काफ़ी लोगों का भला होता है। और हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप लोगों को ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताएं, जिससे किसी न किसी एक वीडियो के माध्यम से भी अगर 2 लोगों का भी भला होता है, तो हमें उस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। देखिए दोस्तों, मैं एक अकेला पर्सन हूँ और मैं हर रोज़ नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाने के लिए पूरे दिन वही चीज़ सोचता रहता हूँ कि आज किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को बताऊँ, ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया आप लोगों को बताऊँ जिससे आप लोगों को मदद मिल सके, आप लोगों को एक अच्छा बिजनेस मिल सके। तो देखिए दोस्तों, मैं अकेला होकर के भी, आप इतनी ज़्यादा मेरी फैमिली है, फिर भी मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं या फिर किसी भी बंदे के दिमाग में कोई भी बिजनेस आइडिया आता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बता सकते हैं कि सर ये कैसा बिजनेस आइडिया है, या फिर आप कोई भी बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सर उस बिजनेस आइडिया के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों को जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक के ऊपर आपको ये सारी डिटेल्स बता दूंगा कि इस बिजनेस के अंदर आप लोगों को कितना प्रॉफिट होगा, कौन से एरिया के अंदर आप ऐसे बिजनेस को कर सकते हैं और आप इससे कितनी अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर मिलेगी। बिजनेस आइडिया लेकर के आऊं जिसे शुरू करके आप पर डे कम से कम 10,000 रुपए की अर्निंग घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। तीनों तरीके से आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं, या फिर सिंगल तरीके से भी सिर्फ एक ही बंदे को सारा माल तैयार करके आप सेल कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको पसंद आता है उस तरीके से आप इसका बिजनेस शुरू करके इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा आप इस बिजनेस से घर बैठे कमा सकते हैं। दोस्तों, बात करो अगर इसके इन्वेस्टमेंट की, तो आप मात्र 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन आपको इस बिजनेस के अंदर नहीं मिलने वाला है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप इससे सच में इतना पैसा कमा सकते हैं और 101% आप लोगों को इस बिजनेस से यकीन भी हो जाएगा कि जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है और सच में आप इस बिजनेस से इतने रुपए की अर्निंग घर बैठे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना सिखा देता हूं कि आप घर पे रह के आप इसे कैसे बना सकते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप सारा माल सिर्फ एक ही बंदे को कैसे सेल कर सकते हैं और मार्केट में आप इसे कैसे सेल कर सकते हैं, किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। हमारा देश बहुत चटोरों का देश है, यहाँ पे तेल मसाले सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। इस वजह से ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को हो जाती हैं, जिनके इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम सभी के घरों में इनो होता है। आइए आप देखेंगे, ये मेरे पास एक पैकेट है जिसके अंदर 6 सैशे हैं और जिनमें अगर इसकी टोटल क्वांटिटी देखी जाए तो 30 ग्राम है। इसकी कीमत है 48 रुपीज़ में हमको 30 ग्राम मिलता है। मैं आज आपको बताऊँगा कैसे आप अपने घर में 10 से 15 रुपये में 100 ग्राम इनो रेडी कर सकते हैं। उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमको चाहिए, सेंधा नमक, बेकिंग सोडा को हम मीठा सोडा भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और हमें इसके लिए चाहिए सिट्रिक एसिड। तो ये मैं आपको जिस जिस क्वांटिटी में बताऊंगा और जिस रेशो में बताऊंगा आप उसी रेशो में अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले हमको 1 चम्मच लेना है सेंधा नमक, फिर इसके बाद 3 स्पून सिट्रिक एसिड। वैसे तो मैंने ये 3 स्पून ही रखा हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने इसको दोबारा से मेजर कर लेता हूँ। तीन स्पून ये हो गया है, और ये हो गया है बेकिंग सोडा। 4 स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा मिला देंगे। बेकिंग सोडा मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है, बेकिंग सोडा सिट्रिक एसिड दोनों ही मार्केट में बहुत सस्ते मिलते हैं। ये लीजिए, ये चारों चीजें मिल गई हैं, अब इनको मिक्स कर लेते हैं। मतलब अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो बेकिंग सोडा आपको 100 रुपए में 1/2 kg मिल जाएगा
और सिट्रिक एसिड भी आपको अगर 100 रुपये में हाफ के जी मिल जाएगा, तो मतलब ये बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं। ये मेरे पास सिट्रिक एसिड का एक पाउच है, ये देखिए आप, इसमें ये 10 ग्राम सिर्फ 4 रुपये का है, और अगर आप इसको और बड़ा पैकेट लेंगे तो ये और सस्ते में आपको मिल जाएगा। ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बस। मैंने जितना ये बनाया है, इसको बनाने में मेरी आई थिंक कॉस्ट आई होगी मैक्सिमम 10 रुपीज़, मैक्सिमम 10 रुपीज़ इसकी कॉस्ट होगी। अब हम इसको एक कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। इनो ब्रिटेन की कंपनी है, और आजकल हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम इजीली अपने घर में भी बना सकते हैं। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इनो को जो बिजनेस देता है वो इंडिया देता है। ये देखिए, अब हम आपको अपने इनो का एक डेमो करके दिखाएंगे। ये हमने एक स्पून लिया है, अब इसमें हम ठंडा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे झाग आए हैं इसमें, वाह। ये देखिए, यही इनो अगर आप मार्केट से खरीदेंगे तो 120 रुपये में आपको 100 ग्राम मिलेगा, जबकि आप 20 रुपये में अपने घर पे आराम से 100 ग्राम इनो बना सकते हैं और उसको ऐसी किसी भी चीज़ में स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, मैंने आपके 100 रुपये बचा दिए हैं। के अंदर देखा कि आप इनो की मैन्युफैक्चरिंग अपने घर पर कैसे कर सकते हैं, इनो को अपने घर पर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कच्चा माल मार्केट से खरीदना होता है, जो कि ऑफलाइन मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। अगर मैं बात करूं 100 ग्राम इनो की, तो वहां पर आपको 20 रुपए का आपका खर्चा आता है, जो कि मार्केट में 120 रुपए का सेल होता है। अगर मैं कैलकुलेशन पर केजी के हिसाब से लगाता हूं, तो वहां पर 1200 रुपए पर केजी के हिसाब से यह मार्केट के अंदर सेल होता है, जो कि आपका जो खर्चा इसके अंदर आने वाला होता है वो 200 रुपए आता है। मतलब कि 1000 रुपए का प्रॉफिट आपको 1 केजी इनो के ऊपर हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कितना ज्यादा प्रॉफिट है इस बिजनेस के अंदर, कितना ही ज्यादा इनकम आप इस बिजनेस से कर सकते हैं। अगर आप इसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कच्चा माल मार्केट से खरीदने के बाद में, इनो बनाने के बाद में आपको इसकी पैकेजिंग करनी होगी। पैकेजिंग आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम के हिसाब से आपको इसकी पैकेजिंग कर लेनी होती है। पैकेजिंग करने के बाद में हम इसे 3 तरीके से मार्केट में सेल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं। एक तरीका तो ये है कि आप सारा माल एक ही बंदे को सेल कर सकते हैं, और 2 तरीके ऐसे हैं जो आप सभी लोग किसी भी तरीके से अपने तरीके से उसे कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजों से करने से पहले आप लोगों को एक जीएसटी नंबर लेना होता है। जीएसटी के साथ में आपको एफएसएसआई का एक लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इससे पहले आप इस बिजनेस को शुरू नहीं कर पाएंगे। अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं, तो उसके बाद में जो इनो की जो पैकेजिंग होती है, उसके ऊपर आपके ब्रांड का नाम होता है, आपका खुद का एक ब्रांड क्रिएट हो जाता है। अगर आप अच्छे से काम करते हैं, तो आपका जो ब्रांड नेम है वो फेमस भी हो सकता है, और आप सच में इस बिजनेस से 10,000 के बजाय आप लाखों करोड़ों रुपए भी इस बिजनेस से कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अगर आप इसकी पैकेजिंग करने के बाद में आप इसे ऑफलाइन मार्केट में सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में कैसे सेल करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ऑफलाइन मार्केट में आपको रिटेलिंग के हिसाब से सेल नहीं करना है, आपको होलसेल रेट के हिसाब से मार्केट में सेल करना है। हमारा जो कॉस्ट आता है वो 1 केजी के ऊपर हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है, 200 रुपए हमारा खर्चा आता है, जो कि हमारे रिटेलिंग प्राइस होती है। अगर हम इसे होलसेल रेट में मार्केट में सेल करते हैं, तो वहां पर आपको इस प्रोडक्ट को 700 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल करना होगा, जिससे सामने वाले बंदे को भी अच्छा प्रॉफिट होता है और आपको तो हो ही रहा है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप 700 रुपए पर केजी के हिसाब से भी इसे मार्केट में सेल करते हैं, तब भी आपको 500 रुपए पर केजी के हिसाब से इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो जाता है, सारे खर्चे निकालने के बाद में। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा ऑफलाइन मार्केट का। ऑफलाइन के अंदर आपको कुछ मार्केटिंग भी करनी होती है, तो मार्केटिंग के लिए आप एक बंदा रख करके आप इसकी मार्केटिंग करवा सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, आप अगर इसे ऑनलाइन साइट्स पे बेचना चाहते हैं, तो वहां पर आप इसे 1000 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। लोग सो जहां पर 30 ग्राम पैकेट को, जो 30 ग्राम इसका पाउडर होता है, उसको 120 रुपए का सेल करते हैं, आप उसी चीज को 100 रुपए में सेल करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट पहले बिकेगा। तो इसके लिए आपको एक सेलर अकाउंट बनाना होता है। सेलर अकाउंट जीएसटी नंबर
और FSSAI का लाइसेंस लेने के बाद ही बनता है। तो ये दोनों चीजें लेने के बाद में आप अपना अमेजोन या फ्लिपकार्ट फिर जियो मार्ट किसी भी वेबसाइट के ऊपर फ्लिपकार्ट किसी भी चीज के ऊपर अपना अकाउंट बनाने के बाद में वहां पर भी आप इसकी फोटो अपलोड करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर आप तीसरा जो तरीका है वो अगर आप किसी एक ही बंदे को यह प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप अपने देश के अलावा बाहरी देशों के अंदर भी इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको goforworld.com की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप वहां पर आसानी से आपको दुनिया भर के बायर्स मिल जाते हैं। उनसे कॉन्टेक्ट करने के बाद में आप ईमेल के थ्रू उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के बाद में आपके पास में उनका मोबाइल नंबर आ जाता है।